दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिनके नगर विश्व के सबसे उत्कृष्ट रचनाबद्ध तरीके से बनाए नगर थे। विश्व की सभी ज्ञात प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे पाई गई और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई, वैसे ही भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम जानते हैं 5000 साल पुराने हमारे इस भारतीय सभ्यता की रोचक तथ्यों को और समझते हैं इस सभ्यता की विशेषताओं को, जो इसे दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा देती है। दोस्तों, सन 1826 में सर चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज शख्स भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज के पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में लेख लिखकर सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। उसके बाद सन 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के दरमियान जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब रेलवे इंजीनियर्स बर्टन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम बर्टन था, उन्हें हड़प्पा में मजबूत ईंटों का पता चला। अति प्राचीन खंडहरों के अवशेष के रूप में प्राप्त इन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे की पटरी के निर्माण कार्य में किया। उसके पश्चात सन 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा का निरीक्षण करके मानचित्र बनाया। ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सन 1921 में इसी भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखलदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य शुरू किया और दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का रूप उजागर हुआ और इसीलिए आज इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत भर में अन्य कई जगहों पर इसके उत्खनन कार्य को गति मिल गई। भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहे थे, उस वक्त तक इससे जुड़े 40 से 50 नगरों की खोज हो चुकी थी और आज तक इस खोज ने हमें लगभग 1500 नगरों से परिचित करवाया है, जिनमें से ज़्यादातर नगर भारत में पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 925 तक है। पाकिस्तान में पाए गए नगरों की संख्या 575 के आसपास है और अफगानिस्तान में 2 नगरों की खोज हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली होगी। अब तक के उत्खनन के आधार पर इसके सीमा का निर्धारण अगर हम करते हैं तो हमें सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है मांडा नगर, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुतका गिडोर। कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 1400 किलोमीटर तक माना जाता है और पूर्व पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। इसकी तुलना हम विश्व की समकक्ष अन्य सभ्यता से करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलाकर भी उससे 12 गुना बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। इस सभ्यता के कार्यकाल के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। सर जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल ईसा पूर्व 3250 से लेकर
ईसा पूर्व 2750 तक माना। वही कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली के आधार पर सर डीपी अग्रवाल ने इसका कार्यकाल ईसा पूर्व 2300 से लेकर ईसा पूर्व 1750 तक माना है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस सभ्यता के कार्यकाल को ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1750 तक मानते हैं। इस सभ्यता के मूल निर्माणकर्ता कौन थे, इसको लेकर भी विभिन्न मत सामने आते हैं। ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों का यही मानना है कि यह सभ्यता यही के मूल निवासी स्थानीय लोगों ने निर्माण की थी, जबकि मार्शल, व्हीलर, गार्डनर चाइल्ड जैसे विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं हैं। इन इतिहासकारों के मत और मतांतर कुछ भी हो, लेकिन हम भारतवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश की यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। इसके जैसा नगर नियोजन तत्कालीन दुनिया की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया है। इन लोगों को लिपि का ज्ञान था। चित्रात्मक अक्षरों के सहारे इन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध करना सीख लिया था। इन्होंने तांबा और टीन को मिश्रित करके कांस्य धातु के निर्माण की कला अवगत कर ली थी। उत्खनन में मिले अवशेषों के आधार पर यह पता चला है कि ये लोग मापतोल करना जानते थे। इन्हें मिट्टी से बर्तन, औजार और खिलौने बनाने की कला अवगत थी। इन्हें गणित का ज्ञान भी अवश्य होगा, तभी इन्होंने रचनाबद्ध और विशाल भवन बनवाए थे। इनकी ईंटें प्रमाणबद्ध थी। लगभग सभी जगहों पर मिली ईंटें सम प्रमाण में पाई गई है, जैसे इन्हें एक ही जगह पर बनवाया गया हो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला मोहनजोदड़ो नगर इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सुनियोजित रचनाबद्ध नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में भी देखा जाता है। मोहनजोदड़ो अपने आप में ही एक अद्भुत नगर था। इस नगर के बारे में हम अलग किसी वीडियो में विस्तृत रूप में जानेंगे। भारत के हरियाणा राज्य में खोजा गया राखीगढ़ी यह नगर भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा नगरों की खोज हुई है। यहाँ की लोथल नगरी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से हमें प्रदेश व्यापार के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। ये सभी नगर विशेषतः दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ऊपरी हिस्सा पश्चिमी टीले के रूप में देखा जाता है, जो समाज के धनिक, अमीर, पुरोहितों की रहने की जगह हो सकती है। इसे दुर्ग भी कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा पूर्वी टीला, जिसमें किसान, मजदूर और जनसामान्य वर्ग की रहने की जगह पाई गई है। यह हिस्सा नीचे की तरफ पाया गया है। ऊपरी हिस्से में ज़्यादातर बड़े और पक्के भवन और सार्वजनिक वास्तु पाए गए हैं, जिन्हें ऊंचे तटबंदी से संरक्षित किया गया है। इसकी तुलना में निचले हिस्से में छोटे और कच्चे ईंटों से बने मकान दिखाई पड़ते हैं, जो तटबंदी से संरक्षित भी नहीं है। इन सभी नगरों में एकमात्र नगर ऐसा पाया गया है जो दो की जगह पर तीन हिस्सों में विभाजित है। इसका नाम धोलावीरा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें मिला तीसरा हिस्सा पूर्वी और पश्चिमी टीले के बीच में स्थित है, जो मध्यमा के नाम से जाना जाता है। यह व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया क्षेत्र मालूम पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय रास्ते विशेष रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि वे नियोजनबद्ध तरीके से एक दूसरे से समकोण में काटते हैं। रास्तों की इस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। मुख्य रास्ता 10 मीटर तक चौड़ा पाया गया है और उससे मिलने वाले अन्य रास्ते 3 से 4 मीटर तक चौड़े पाए गए हैं। सभी के घरों के दरवाजे मुख्य रास्ते की तरफ न खुलते हुए गली में खुलते दिखाई पड़ते हैं। हर घर में कुआं, स्वच्छता गृह और जल निकासी के लिए नालियाँ मिलती है, जो मुख्य नाली से जुड़कर खराब पानी को शहर से बाहर ले जाती है। यह सभी नालियाँ ऊपर से ढकी हुई दिखाई पड़ती है। गुजरात के धोलावीरा नगर में लकड़ी की बेहतरीन नालियाँ पाई गई है, जो आज भी सुस्थिति में दिखाई देती है। यह सभ्यता विशेष रूप से अपने सामूहिक स्नान गृह, सभागृह, विशाल अन्न भंडार और गोदामों के लिए प्रशंसनीय मानी जाती है। इनके खान पान में गेहूँ, जौ, तरबूज, खरबूजा, खजूर, राई, सरसों, तिल और कई जगह पर चावल आदि धानों के प्रमाण पाए गए हैं। सजने संवरने के लिए यह लोग सोना, चांदी, हाथी के दांत, शंख, सीपी, मनके से बने आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। इनके वस्त्र सूती, ऊनी और कढ़ाईदार पाए गए हैं। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की आज तक की खुदाई में कई भी अस्त्र शस्त्र जैसी लड़ाई से जुड़ी सामग्री नहीं पाई गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह सभ्यता शांतिप्रिय सभ्यता थी।
जो व्यापार और विकास में विश्वास रखती थी। इनकी लिखी चित्रलिपि को पढ़ पाना आज तक इतिहासकारों के लिए संभव नहीं हो पाया है, लेकिन जब यह लिपि को पढ़ा जाएगा तब इस सभ्यता से जुड़े बहुत से राज खुल जाएंगे। शायद वह राज हम भारतीयों के लिए और भी गौरवान्वित करने में सक्षम होंगे। इसी आशा को मन में रखते हुए आप सभी दोस्तों से यही रुकने की आज्ञा चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपके शहर के आसपास कहीं भी इस सभ्यता से जुड़े नगरों के अवशेष हैं, तो उन्हें देखने जरूर जाइएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।